एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस. हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आई बी फॉर्म में है, हमें इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है. देखिए सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के हैं, इसलिए पहले अच्छे से समझें. इसको हम लिखेंगे पोलार फॉर्म में. तो लेट r cos थीटा, जैसे a प्लस आई बी फॉर्म में है ना, ये a प्लस आई बी फॉर्म में है. तो लेट r cos थीटा इज -1, दैट इज -1. लेट r sin थीटा इज -√3, दैट इज दिस -√3. तो r cos थीटा r sin थीटा दोनों मिल गया हमको, और r cos थीटा स्क्वायर प्लस r sin थीटा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप करेंगे a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो आपके पास जो टर्म आएगा दैट विल बी आर स्क्वायर कॉस, दोनों को जोड़ देंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1. तो आर स्क्वायर क्या आ गया, 4. आर इज नथिंग बट √4. हम हमेशा आर को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, -2 भी आएगा लेकिन उसको हम दरकिनार कर देंगे. तो आर इज नथिंग बट 2. मॉड्यूलस इसका 2 आ गया. अब हम आते हैं आर्ग्यूमेंट की तरफ. अब r cos थीटा क्या है, 2 cos थीटा बन गया, दैट इज -1. r sin थीटा r की जगह 2 रखिए, तो 2 sin थीटा इज -√3. तो cos थीटा हो गया -1/2 और sin थीटा हो गया -√3. अब इसमें दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब sin थीटा cos थीटा दोनों नेगेटिव का मतलब ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, इस क्वाड्रेंट की बात चल रही है. तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, नथिंग बट माइनस रहने दीजिए, पाई माइनस पाई बाय थ्री. और पाई माइनस पाई बाय थ्री इज नथिंग बट दिस इज 2π/3, और माइनस आ गया है ही, तो 2π/3. तो एंगल क्या हो गया, -2π/3, और आपका जो आर्ग्यूमेंट हो गया वो आपका 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इसे भी मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट इसी तरीके से निकालना है. तो हमारे पास जो a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा है, हम r cos थीटा को मानेंगे a, दैट इज -√3. r sin थीटा को मानेंगे 1, i के साथ क्या है 1 × 1, इज नथिंग बट 1. तो r sin थीटा आपका 1 हो गया, और दोनों को स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा r स्क्वायर इज नथिंग बट 3+1, दैट इज 4. तो r हो गया आपका 2, मॉड्यूलस हो गया 2. तो 2 cos थीटा है -√3 हो गया इस तरीके से, और r sin थीटा यानी कि 2 sin थीटा इज 1 हो गया. तो cos थीटा इज -√3/2 और sin थीटा इज 1/2. ये करते ही हमने देखा कि क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, दिस इज टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, तो एंगल क्या होगा, ये √3/2 कब आता है, ये π/6 पे आता है. sin 30 इज 1/2, तो π - π/3 π/6 30 डिग्री, तो ये होगा 5π/6. एंगल हो गया 5π/6, और यहां पर हो गया आपका √3 + i का मॉड्यूलस है वो 2. आप क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म. इसको पोलर फॉर्म में करना है. तो देखिए a प्लस आई बी फॉर्म में है, a 1 है और a और b है -1. तो आपके पास b -1 हो गया, a 1 हो गया, r cos थीटा इज 1, r sin थीटा इज -1. ए यहां रखा, बी यहां रखा, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए. तो आर स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस आर स्क्वायर साइंस का थीटा, दोनों को ऐड करिए, 1+1 = 2. आर साइंस स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा इज नथिंग बट 1. तो आर आ गया आपका √2, आर हैज बिकम √2. तो √2 कॉस थीटा इससे लीजिएगा, √2 कॉस थीटा इज 1, √2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1. तो कॉस थीटा हो गया 1/√2 और साइन हो गया नेगेटिव, ये माइनस हो गया 1/√2. तो 1/√2 कब आते हैं, जब थीटा π/4 होता है. और बात किसकी हो रही है आपकी, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा नेगेटिव आ गया, तो ये आपका थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो आपके पास ये थीटा भी आ गया -π/4, और r cos थीटा r sin थीटा रखेंगे तो आपके पास ये पोलर फॉर्म में भी बन गया. तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए था,
ये पोलर फॉर्म में चाहिए था, तो आर कॉस थीटा और साइन थीटा, थीटा जो है वो आपका माइनस पाई बाय फोर हो गया, ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी माइनस पाई बाय फोर नॉट पाई बाय फोर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस होता है। यहां पर भी यही करना है, पोलर फॉर्म में लेना है, यहां पर ए माइनस वन हो गया, मतलब आर कॉस थीटा हम माइनस वन लेंगे, आर साइन थीटा हम बी लेंगे, दैट इज वन, तो दोनों को स्क्वायर करिए, यहां पर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज टू और आर स्क्वायर इज नथिंग बट टू, आर इज रूट टू, रूट टू आ गया। अब रूट कॉस थीटा इज माइनस वन, रूट टू साइन थीटा इज वन, तो हमें कॉस थीटा माइनस हाफ मिल गया, साइन थीटा हाफ मिल गया, कॉस थीटा माइनस हाफ रूट माइनस में है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप सीधा पाई माइनस पाई बाय फोर कर दीजिए। पाई बाय फोर क्यों आया, क्योंकि वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू हमें वैल्यू दिख रही है, तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाय फोर, थीटा इज नथिंग बट थ्री बाय फोर, तो इसको आर की जगह हम रूट टू रखेंगे और आई की जगह आई रखेंगे और थीटा की जगह थ्री पाई बाय फोर रख देंगे, तो ये तरीका आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म निकालने का। अब इसको भी पोलर फॉर्म में रखना है, तो ए हमारे पास माइनस वन है, बी भी हमारे पास माइनस वन है, तो आर कॉस थीटा इज माइनस वन, आर साइन थीटा इज माइनस वन, दोनों को स्क्वायर कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, यहां पर टू आ जाएगा, अगेन आर इज इक्वल टू रूट टू। देखिए तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीनों में सेम चीज आई है, तीनों में आर रूट टू आया, एंगल में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि कॉस थीटा आपका, अगर आर कॉस थीटा इज माइनस वन, आर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस हाफ यानी कि पाई बाय फोर आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, माइनस पहले लगाते हैं और फिर पाई माइनस पाई बाय फोर करते हैं, मतलब जो भी एंगल आएगा, तो हमारे पास 45 डिग्री है, तो ये करेंगे, हम पहले भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, कर चुके हैं बल्कि, कि माइनस लगा के फिर पाई माइनस पाई बाय फोर करते हैं, एक और क्वेश्चन था जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट में था, उसमें भी हमने ये किया था, तो हमारे पास माइनस थ्री पाई बाय फोर आपका थीटा आ गया, आर रूट टू निकाल चुके हैं, तो रूट टू कॉस माइनस थ्री पाई बाय फोर और रूट टू आई लगाइए और रूट टू साइन माइनस थ्री पाई बाय फोर, ये आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म में तब्दील हो गया। अब यहां पर भी ऐसे करना है पोलर फॉर्म में, तो माइनस थ्री का मतलब क्या होगा, माइनस थ्री प्लस जीरो इंटू आई, तो आर कॉस थीटा ये हो जाएगा, माइनस थ्री ले लिया, आर साइन थीटा जीरो हो जाएगा, आर साइन थीटा जीरो, दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, और आर स्क्वायर ये तो वन हो जाएगा, और आर स्क्वायर विल बी नाइन, और आर ए विल बी थ्री, अंडर रूट ऑफ नाइन इज थ्री, तो थ्री कॉस थीटा माइनस थ्री, थ्री साइन थीटा जीरो, कॉस थीटा माइनस वन, साइन थीटा जीरो, ये कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री हो, और जब हम यहां पर रखेंगे आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा की जगह, सब थीटा की जगह पाई रख दीजिए और आर की जगह थ्री रख दीजिए, बस ये हमारा काम हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आइए, रूट थ्री प्लस आई को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, रूट थ्री आर कॉस थीटा मतलब ए और वन, इसका वन कोएफिशिएंट है, वन इज आर साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास ये फोर आएगा, आर विल बी टू, टू कॉस थीटा इज रूट थ्री एंड टू साइन थीटा इज हाफ, जो यहां पर अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगा, तो कॉस थीटा रूट थ्री बाई टू, साइन थीटा हाफ, थीटा इज वेल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो प्रॉब्लम, कुछ हमें करना नहीं है, सीधा आर की जगह आप रिप्लेस करिए टू और थीटा की जगह रिप्लेस कर दीजिए पाई बाय सिक्स, और आपका ये पोलर फॉर्म में आ जाएगा। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉलोइंग पोलर फॉर्म, आई आई है यानी आई जीरो जीरो प्लस वन आई, आर कॉस थीटा जीरो होगा, आर साइन थीटा आपका वन होगा, दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, तो आर निकल के आएगा वन, कॉस थीटा इज जीरो, आर की जगह वन रिप्लेस करेंगे तो कॉस थीटा जीरो, साइन थीटा इज वन, ये कब होता है, जब थीटा पाई बाय टू है, दैट इज 90 डिग्री, तो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यानी आर तो वन है ही, थीटा की जगह पाई बाय टू रख दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म में आ गया।